हम अपना फिट करवाएंगे जी एग्जॉस्ट, देखते हैं क्या स्ट्रेट पाइप करनी है या खाली एग्जॉस्ट लगाना है। सामान जो उनसे है कुछ आ रहा है और एक से दो दिन के अंदर गाड़ी भी रिवील कर देंगे। टायर्स कंफर्म है ना? मैं तो मेरी जान। जो मुझे प्रोफाइल चाहिए 205/40/17 फोर्ड क्रांजे। गाड़ी हमारी हो चुकी है फुली टेंटेड, ब्लैक पीपीएफ कर रहे हैं इसको और इसी तरह ये हमारा वो सैंपल पीस लगा। क्या बात है, क्या बात। अगर तो आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे अभी तक हम अपनी गाड़ी में क्या क्या काम करवा चुके हैं और आज है जी day 7 हमारी सीरीज़ का। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। और आज का जो है व्लॉग वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम करवाने जा रहे हैं अपनी बेबी 140 में कुछ बहुत ही मज़े के मोड्स और उस मोड्स का आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज़। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। अच्छा जी, तो आज के सीन की बात करें तो आज भी हमारा व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है और इस टाइम शाम के क्या टाइम हो रहा है? 5:26 जी, 5:30 बजे जाके हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मसरूफ़ थे। और बाकी आज का सीन थोड़ा सा होने जा रहा है मज़े का, कुछ इंटरेस्टिंग और थोड़ा इन्जॉय वाला, ठीक है? क्योंकि अब थोड़ा सा दिल कर रहा है कि यार गाड़ी का वो जो सा एक स्टैटिक वाइब और वो एक चीज़ है ना, वो प्रोजेक्ट कार वाली वो फील लेना चाहते हैं हम। तो इसलिए मैंने सोचा अभी बाकी काम तो साथ साथ चल रहे हैं बट पहले जाके हम अपना फिट करवाएंगे जी एग्जॉस्ट, इसका कैट वगैरह रिमूव करेंगे, जो भी होता है वो सिलेंसर ढोलकी वो पिछली वो भी रिमूव करेंगे और देखते हैं क्या स्ट्रेट पाइप करनी है या खाली एग्जॉस्ट लगाना है। जो भी सिनेरियोज होंगे वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। फिर मैं चलाऊंगा पेट्रोल सारा खत्म करके। और ये हमारे पीछे मौजूद है, ठीक है जी, एग्जॉस्ट आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं और ये हमारे पास आ गए हैं। अब चलते हैं जी सीधा शादेवाल चौक और आपको जाकर बताते हैं। और इसके अलावा एक दो छोटे मोटे काम है, छोटे मोटे तो नहीं खैर मेन काम है कुछ, वो करवाते हैं और ये जो चीज़ें हैं ना जो बीच में रुकी हुई हैं इनको ख़त्म करते हैं और फिर आएंगे अपने टायर्स और रिम्स वगैरह की तरफ। गाड़ी की कोई अपडेट नहीं मिली? दूसरी गाड़ी की अपडेट दे दी इंशाल्लाह। सामान जो उनसे है कुछ आ रहा है और एक से दो दिन के अंदर गाड़ी भी रिवील कर देंगे। दूसरी गाड़ी अली अहमद की सिविक एक्सा। क्यों बता रहे हो? नहीं जी मजाक कर रहे हैं। और दूसरी गाड़ी का इंशाल्लाह आपको दो दिनों में पता लग जाएगा। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। और जी चलते चलते हम लोग फिर से आ चुके हैं चीनू भाई की शॉप पे और ये अभी इनको बुलाते हैं और फिर आज इनको एक टायर्स का रिमाइंडर देंगे। अस्सलाम वालेकुम चाल चाल है जी, देख लें दोबारा। क्या मुझे याद है तुम्हें कि आज क्या सीन है, कब तक? आज रात तक हो गया, ठीक नहीं तो कल पक्का हो जाएगा। बार बार झूठ बोलो आ जाएंगे। टायर्स कंफर्म है ना? मैं तसल्ली मेरी जान। दूसरी गाड़ी की भी ढूंढ दे वो भी नजर। तो 15-45 में देखो नहीं मिल रहा टायर कहीं से, 40 में कहीं से भी नहीं मिल। अच्छा 45 में ढूंढ ले, चल ठीक है। वो भी 17 ओके, ठीक है ओके करें। 45 215 45। तो जी दूसरी गाड़ी का आप लोगों ने सुन तो लिया होगा और बाकी रिम्स का हिंट है यार, 17 तो किसी गाड़ी को भी लग जाता है, ऐसे ही है ना ब्रो? हाँ 15 वाली नहीं है, 17 वाली गाड़ी ही है। चीनू भाई को जी रिमाइंडर चला गया है और एक टायर्स मेरे जो हैं इन्होंने कहा है कि वो कंफर्म है जी, इन्होंने ले लिए हुए हैं और जो भी हिसाब किताब है इन्होंने मुझे टायर्स देने हैं जी और वो आज रात या वरना कल, इनका वादा तो हो गया। अब लेट्स सी क्या बनता है टायर्स का। और जल्दी से हमें जो मुझे प्रोफाइल चाहिए 205/40/17 फोर्ड क्रांजे वो मिल जाए और हम वो इंस्टॉल करें और रिम्स गाड़ी को लगा लें यार, थोड़ा सा वो फील आनी चाहिए ना, यू नो। खैर जी अभी चलते हैं सीधा शादेवाल चौक, आपको जाके मिलते हैं शादेवाल चौक पे। 20 minutes later। हमेशा की तरह आज फिर हमारी किस्मत पे बहुत अच्छी नहीं है और काम करवाने निकले लेकिन हम अब काम छोड़ के तो दूसरी तरफ आ गए हैं खाना खाने। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, भाई असल बात ये नहीं है, गए थे बट सिलेंसर वाला जो हमारा बंदा है वो भी बहुत मसरूफ है, उसने कोई रीपर का कैट खोला हुआ है तो वो गाड़ी निकलेगी तो हमारी लगेगी। और जो रिजवान भाई हैं उनका स्टूडियो भी फुल है जी और रिजवान भी कह रहे हैं जी को 10 मिनट रुक जो तो गाड़ी निकलती है रीबर्थ, तो तब आप लगाना। दोनों पासों रीबर्थ लगी है तो रीबर्थ साढ़े जोड़ा बैग ही आज।
ते बाकी जी बस ये कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा और फिर वापसी निकलते हैं शादेवाल मार्केट और काम जाके गाड़ी का शुरू कराते हैं। कुछ ना कुछ करवा के जाएं यार, वेले नहीं जाना घर, तो दिन थोड़े हैं पीछे। हाँ जी भैया, ये क्या रेड रॉक का? इनके पास और क्या क्या होता है वैसे? चल डिसाइड करते हैं। अपना जी खाना आ चुका है और मेरी बिरयानी और ये इस बर्गर बॉय का पराठा रोल। वैसे ये पहला बर्गर है जो उनसा, हाँ बर्गर है लेकिन बर्गर नहीं खाता। चल चले कर दे हम लोग। चल जल्दी से खाना खाते और निकलते हैं वापस। 20 मिनट्स लेटर। थोड़ा जे बाहर कटो, थोड़ा जे बाहर कटो। नहीं ज्यादा बाहर जड़ा लगने डबदे हो बच्चे लगदे डबदे की तो बच्चे ओ कोई रोला नहीं, थोड़ा जे कटो की देखा लो। अरे ये एक अदर ढोलकी, ये जो पूरा हमारा सरंसर है ये बाहर आ गया। राइट पे नहीं होगा, इधर कर। हां इधर करके करना है, इधर करके थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा बाहर। उस्ताद जी थोड़ा जा कर दियो ना, करो तुसी पाइप दी बचत कर रहे हो, थोड़ा जा बाहर कर दियो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मेरी लुक खराब हो जानी है, मेहरबानी करो इसको जी। हम थोड़ा सा टेढ़ा करके ना इस फ्लैशर के नीचे से निकालेंगे और यहाँ पे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। इसका मेन पर्पस मेरा, वैसे मैं कोई आवाज़ का बहुत मोहब्बती नहीं हूँ, लेकिन मेरा मेन पर्पस जो था लुक्स थी। तो पीछे से जिस टाइम ये गाड़ी फुल ड्रॉप होगी, नीचे से एग्जॉस्ट ज़मीन पे होगा और साथ कैंपर हुई होगी। यार ये कितनी ऑसम है यार। कोई पेट साड़ना है बंदा इसला। माशाल्लाह से जी अपना एग्जॉस्ट सिस्टम गुड हो गया और साउंड भी बहुत अच्छा निकल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा। और ये लाइव थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल अंदर बहुत सुकून है, कोई शोर वगैरह नहीं है। जो जैसे पहले मैं स्ट्रेट छोड़ता था इसको तो उसका शोर काफ़ी होता था, तो इसमें फुल बेस वाला साउंड निकल रहा है। तो ये आपको कह लो कि अगर आपकी डेली भी गाड़ी चल रही है ना, ये देखें इस टाइम गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और बिल्कुल साइलेंट है, कोई साउंड नहीं आ रहा इस टाइम गाड़ी का। जैसे ही थोड़ी सी रेस पे पैर देंगे तो फुल बेस वाला साउंड निकलता है। और ये कुछ यूं लग रही है टिप हमारी। तो जी आपने वेरी लॉन्ग जलालत और कोई काम छोटा सा था बिल्कुल 15 मिनट का, लेकिन जो हमारा वो गाड़ियां लगने की वजह से तो 2 घंटे हमारे तकरीबन ज़ाया हो गए फिजूल के। तो लेकिन अब शुक्र है जी सुकून में एसी में आगे बैठ गए हैं, ऑल थैंक्स टू रिजवान भाई जी, इनका माशाल्लाह से नया स्टूडियो बना और अपनी जो गाड़ी है इवन 40 ये पहली बार इधर स्टूडियो आ रही है। अच्छा तो इधर हम करने बेसिकली ये आए हैं कि हमारे जो साइड्स के टेंट्स थे ना वो हो चुके थे ख़त्म, उनकी एक लिमिट होती है। और रिजवान भी कितने चल जाता है, साल चलते हैं ना टेंट्स तकरीबन? साल डेढ़। तो वो सारा पेपर था स्पेक्ट्रम ही था, सादा था और वह सादा था और वह तकरीबन को 2-1 साल से लगा हुआ था गाड़ी को, तो इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था और उसकी विजिबिलिटी भी जो थी ना तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो इसलिए हमने करवाना था अपना ये पेपर फ्रेश। तो ये चारों शीशे हमारे फ्रेश होंगे। फ्रंट स्क्रीन मैंने रिसेंटली अभी तकरीबन 3 महीने पहले करवाई है, तो अभी ये बिल्कुल बेहतरीन है, इसको ज़रूरत नहीं है। तो जी माशाल्लाह से गाड़ी हमारी हो चुकी है फुली टेंटेड
और तक सारा 50% हो गया है हमारा, साइड्स हमारी फ्रेश हो गई हैं और फ्रंट ऑलरेडी फ्रेश था, थोड़ी डस्ट वगैरह आई हुई है बट साइड्स हमारी गुड हो गई हैं क्योंकि पहले वाली की विजिबिलिटी भी अब जीरो हो गई थी और साथ बबल्स वगैरह थे तो ये नीट हो गया काम। और आज का हमारा मिशन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ जाना कार पेपर। और बाकी जी ये रिजवान भी को हमारी इधर से शाउट आउट है, और किसी को भी कोई भी काम हो PPF उसके बाद रैपिंग उसके बाद डिटेलिंग उसके बाद ये टेंट्स वगैरह कोई भी स्टिकरिंग से रिलेटेड काम है तो ये आप PPF वगैरह भी सारे देख सकते हैं, आप आ सकते हैं जी जाना कार पेपर पे शादेवाल रोड, और यहाँ पे आके आप मेरा रेफरेंस भी देंगे तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाएगा और ओवरऑल पूरे लाहौर में इनकी प्राइस और काम सबसे अच्छा है, ये मेरी गारंटी इस चीज़ की। अच्छा जी ये हमारा आ गया जी एग्जॉस्ट और इसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके लगवाया है और उम्मीद है कि इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्ट्रेट निकलवाने से ज़्यादा था कि टेढ़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो बस ये सीन है अब टोटल। और बस अब निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी निकालते हैं कि रिजवान भाई को स्टिकर कहा था लग रहे वो निकाल दें, और हमारा यहाँ से निकल कर जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि ज़रा सुकून में बैठे हैं लंबी जरा, असल में गलती की है बिरयानी लेकर भी इतनी आ जानी थी है ना। अबे साले स्कूल से खाते हैं, खैर ये सीन है जी। और माशाल्लाह गाड़ी आगे से फिट लग रही है, अभी गंदी बहुत है, स्क्रैचेस बहुत है, ये एक दफ़ा डिटेल होगी तो सुकून आएगा। बाकी जी हम निकलते हैं यहाँ से और फिर आप लोगों को इसका साउंड वगैरह भी सुनाते हैं और फिर व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, डेली व्लॉगिंग फुल शोरों शोर से जारी है हमारी इसी मोटिवेशन के साथ, चाहे व्यूज़ नहीं आ रहे चाहे चैनल फुल डेड है बट स्टिल कोई बात नहीं ट्यूनिंग क्या आवाज इस तरह ही जाना है। ये जी देखें PPF हो गई हमारी गाड़ी, रैप हो गई हमने जी, ब्लैक PPF कर रहे हैं इसको, और इसी तरह ये हमारा वो सैंपल पीस लगा। अबे जी कोई आधे घंटे की मेहनत के बाद ये हमारे अब्दुल्ला भाई का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये जो हमें स्टिकर चाहिए था वो ढूंढ ढूंढ के कहीं से फॉन्ट उसका ट्रेस हमने कर लिए हैं और फाइनली जी हमारा स्टिकर, ये क्या हुआ मैं कंप्यूटर बंद हो गया, स्टिकर हमारा यहाँ पे निकल रहा है और ये जब निकलेगा तो आप लोगों को दिखाते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये ऑटो शो से पहले कहीं पर कॉपी वगैरह ना हो ताकि जो अपनी गाड़ियों पर दो गाड़ियों पर लगा उसके अलावा कहीं ना लगा वो बड़ा बुरा लगता है। यहाँ पे जी अपना स्टिकर रेडी हो गया और बेहतरीन किस्म का जो चीज़ चाहिए थी एग्जैक्टली वही चीज़ आई है और उम्मीद है थोड़ा सा नीचे भी कर थोड़ा सा नीचे भी कर पी देख ले पूरा पूरा आए उधर चलो बिस्मिल्लाह करो सीधा कर ले सीधा कर ले बस बिस्मिल्लाह या आर या पार लग तो रहा है सीधा वैसे लेकिन ये टी उठा हुआ नहीं है पी पक्की बात है क्या बात सो जी बॉयज़ फाइनली हमारी गाड़ी की जो ये स्टिकर और टेंट्स के बाद कुछ इस तरह की लुक आई है और स्टिकर जो ये सोचा रात को एकदम से मेरे सामने ये स्टिकर आया बल्कि एकदम से नहीं आया काफ़ी डीप मैं गोरों के अकाउंट्स में गया और जाकर मुझे मिला है। ये हर दफ़ा मैं वैसे स्टिकर ढूंढता इसी तरह कि गोरों के अकाउंट में जाता हूँ और वहाँ पर कोई ना कोई अच्छा स्टिकर मिल जाता है तो ये चेक कर सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अली साहब ओके की रिपोर्ट है फुल गोरस्त है। और बाकी अभी जब गाड़ी अब वो फील आना स्टार्ट हुई है और अब जब अभी रिम डालेंगे गाड़ी ड्रॉप होगी तो फिर आप खुद इमेजिन कर रहे हैं लुक इसकी। सो जी ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और बाकी हमारे जो आज का मिशन सोच कर निकले थे शुक्र है कि वो सारे काम हो चुके, एग्जॉस्ट भी लग गया टेंट्स भी हो गया स्टिकर का काम भी हो गया और बस अब निकलते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। सी यू गाइस लेटर, अल्लाह हाफिज़।